सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई आपने कभी न कभी जरूर पढ़ी होगी, लेकिन बेंगलुरु जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हनुमान के जिस रूप की इसमें बात की गई है उसने इस शहर को सम्मोहित कर लिया है। यकीन मानिए, ये किसी खास दिन की बात नहीं है बल्कि आज की हकीकत है, और पूरा बेंगलुरु आज हनुमान के एक रौद्र रूप से सम्मोहित हो चुका है। बेंगलुरु की सड़कों पर चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी हनुमान नगर में आ गए हैं, मतलब एक ऐसा शहर जहां बस हनुमान और उनकी ही बातें हो रही हों। कार के शीशों से लेकर स्कूटर्स पर लैपटॉप कवर से मोबाइल के बैक कवर तक, घड़ियों के डायल तक पर जहां आपको यहां के सरिया रंग में रौद्र हनुमान का एक खास चेहरा दिखाई देगा। यहां तक कि आप चलते फिरते लड़के लड़कियां इसी चेहरे के प्रिंट वाले टी शर्ट में दिख जाते हैं। मतलब ये है कि फैशन से लेकर स्टाइल तक तकनीक हर जरूरत में आज का ये अति आधुनिक शहर रौद्र हनुमान के शहर में परिवर्तित हो चुका है। चौंकिए मत, ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक आर्टिस्ट का कमाल है। जी हाँ, ये कमाल है एक ग्राफिक डिजाइनर का, और उसने कुछ ऐसा ही किया है कि आज इस मेट्रो सिटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो रौद्र हनुमान के प्रति सम्मोहित हो चुका है। ये कमाल है एक स्टिकर का जिस पर हनुमान का चेहरा है। ये कोई आम चेहरा ना होकर बल्कि डिजाइनर है। जी हाँ, आजकल पूरा बेंगलुरु शहर रौद्र हनुमान के एक स्टिकर से अटा पड़ा है। केसरिया और काले रंग के इस्तेमाल से बने रौद्र हनुमान के इस स्टिकर की कितनी मांग होगी आप इसी से समझ सकते हैं कि शायद ही कोई जगह होगी जहां आपको ये स्टिकर ना दिखे। ये कई आकारों में जरूरत के अनुसार बड़ी और छोटी भी मिल जाती है, और आकार के अनुसार हर स्टिकर की कीमत 100 से 300 रुपये होती है। वहीं इस प्रिंट में टी शर्ट की यहाँ मिलने लगे हैं जो कि 900 रुपये तक आते हैं। काले और केसरिया रंग के इस्तेमाल से बना हनुमान का ये रौद्र एक रूप एक वेक्टर इमेज है जिसे बनाया है केरल के ग्राफिक डिजाइनर करण आचार्य ने। मूल रूप से उत्तरी केरल में कासरगोड के कुंबले गाँव के रहने वाले करण ने 2015 में इसे एक यूथ क्लब की डिमांड पर बनाया था। क्लब को गणेश चतुर्थी त्यौहार में अपने झंडे पर लगाने के लिए कुछ अलग चाहिए था। दरअसल वो यूथ क्लब इससे पहले अपने झंडे पर ओम का चिन्ह लगाता आ रहा था, अब वो इसमें बदलाव लाना चाहता था, लेकिन इसकी जगह कुछ ऐसा लगाना चाहते थे जो बहुत ही अलग हो। करण आचार्य उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि जब क्लब ने उनसे ये बनाने के लिए कहा तो दूसरे दिन ही उन्हें ये चाहिए था। जब उन्होंने पिक्चर भेजी तो रात के 11:30 से 12 बज रहे थे। उनके अनुसार इसे बनाते हुए उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोगों को इतना पसंद आएगा, लेकिन पिछली बार जब वो बेंगलुरु गए तो वहाँ इस इमेज की पॉपुलैरिटी को देखकर वो चौंक गए। एक विदेशी कंपनी ने उन्हें इसके राइट्स खरीदने के लिए संपर्क किया था, लेकिन करण आचार्य इसकी प्रसिद्धि देख चुके थे। उन्हें लगा कि ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।